शहर जा रहे हो चाचा? अरे अभी तो नहीं बेटे, कल जाऊंगा। चाचा वो तुम्हें याद है ना? क्या? हाँ 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 हाँ, वो तूने शहर से नई नई कहानियों की किताबें मंगाई थी ना। अरे बेटे एक बात तो बता, तू ये इतनी कहानियों की किताबों का खर्चा क्या है? ये भी कोई पूछने की बात है चाचा, क्या करते हैं, नई नई कहानी नई नई बातें मालूम होती हैं, बहुत मजा आता है। ये तो है। अच्छा बेटे मैं लेकर आऊंगा तेरे पास। अम्मा। अरे आ गया मेरे लाल। अम्मा बाबा का खाना तैयार कर दिया? हाँ तैयार कर दिया, मुझे पता था मदरसे से आके पहले ये सवाल करेगा कि बाबा का खाना तैयार कर दिया। देख पहले मुँह हाथ धो ले, तो खाना खा के उसके बाद बाबा का खाना दे के आना। नहीं अम्मा मैं बाबा के साथ खेत में ही खा लूंगा। बेटा स्कूल से आके थक गया होगा, पहले खाना खा ले फिर बाबा को खाना दे आना। नहीं अम्मा कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद मदरसे की छुट्टियाँ हो जाएंगी और मैं छुट्टियाँ गुजारने खाला अम्मा के गाँव जाऊँगा। याद है ना अम्मा मेरी बात? अच्छी तरह याद है। और तुझे ये भी पता है जितना तू उधर जाने के लिए बेचैन है ना, उतना ही इशरत और शहजाद तुम्हारे लिए बेचैन होंगे वहाँ पे। मुझे पता था पन्ने खान तू ही जीतेगा। शाबाश पन्ने शाबाश, आज तक हमारे पन्ने खान को किसी ने हराया नहीं। आज हमारे पन्ने खान ने कुश्ती में सेंचुरी कर ली। ये क्या होता है, तुझे सेंचुरी का भी नहीं पता? नहीं। भाई सेंचुरी उसे कहते हैं जो कुश्ती में 100 मर्तबा जीत जाता है। अच्छा? अरे आपका फन्ने खान 100 दफा कुश्ती जीता है? मालूम होता किसी पहलवान के घर पैदा हुआ है। अरे हमने खिलाफ लाके पहलवान बनाया, पहलवान। इसीलिए तो सेहतमंद है मेरी तरह। भी नंबरदारन वो कहाँ है तुम्हारे लाडले भाई साहब? नंबरदार जी आपको हर वक्त मेरे भाई की फिक्र क्यों लगी रहती है? अरे मैं कहती हूँ तुम उससे क्यों जलते हो? अरे वो है ऐसा, उसके वजह से बच्चे भी खराब हो रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ सुधर जाओ। बच्चों पे खाव खा नाराज मत हो भाई, गांव के नंबरदार के बेटे हैं, अगर मुर्खबाज है तो क्या हुआ, हम भी अपने जमाने में बड़े आला दर्जे के कबूतरबाज थे। बड़ा नाम था हमारा। आपा कह रहे हैं बड़ा नाम था हमारा, सीटी तो बजानी नहीं आती, कह रहे हैं। चुप खामोश। वाह वाह नंबरदार जी वाह वाह। अरे मैं कहती हूँ ये कोई फखर की बात है, ये तुम्हारा जमाना नहीं है, अब भी वक्त है बच्चों के लिए, सोच लो, सोच लो मैं कहती हूँ। अरे सोच लेंगे अभी तो छोटे छोटे हैं, सोच लेंगे। चलो बे तैयारी करो उसको, शाबाश और तैयार करो उसे। और तुम भी मुर्गे के साथ? जी मैं भी। जी 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 चल चलो भाई, चलो भाई ऊपर चलो। भाई मियाँ अब बाहर आग बरस रही है और आप चादर ओढ़े खड़े। आखा देखने में तो अजीब लगता है। ये तो कुछ अजीब ही कागज है, तो कुछ रास्ता बताने वाले तीर के निशान बने हुए हैं, तो उस कहानी किताब में खजाने की नक्शे की तरह बने हुए हैं। पर वो तो कहानी थी, क्या उस दौर में ऐसा हो सकता है कि सचमुच खजाने का नक्शा ही हो?
अरे पुरानी हवेली जो खाला अम्मा के गांव में से कितनी मिलती जुलती लगती है। जरूर कुछ राज है इस कागज में, मुझे छुपा लेना चाहिए, मालूम करेंगे। भाई ये बात तो अपना पन्नेगान बहुत बहादुर है, इसीलिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और रंग भी कितना खूबसूरत है। इसीलिए कुछ लोग हमारे पन्नेगान से जलते हैं। तुम ठीक कहते हो भाई, वो फजलू चाचा कह रहे थे कि मुर्गे मुर्गे में क्या रखा है, मुर्गी पालो मुर्गी अंडे तो मिलेंगे। मक्कन मामा, मक्कन मामा, क्या बात है शहजाद मियां, मक्खन चाहिए? मक्खन तो बेटे अभी मैं घर दे के आ रहा हूँ। वो तो घर वालों के लिए था। तो हमें अपने पन्ने खान के लिए चाहिए, पन्ने खान के लिए। क्या कहा, पन्ने खान के लिए? इस मुर्गे के लिए क्यों, जब मुर्गी सोने का नहीं खा सकता। बात करो मक्खन चाचा, बता पुराने जमाने। एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? पापा मैं तेरे साथ कई बार शहर जा चुका हूँ, पर वहाँ पर बड़े बड़े घर, लंबी लंबी गाड़ियाँ, और वहाँ के लोग अमीर क्यों होते हैं? उनके पास ये रुपया पैसा कहाँ से आता है? अरे अहमद, ये भी कोई पूछने की बात है? सुना तुमने, क्या कह रहे? सुन रहा बताओ ना बाबा, उनके पास ये दौलत कहाँ से आती है, हमारे पास क्यों नहीं है? दौलत है पर कहाँ है बाबा? अपनी जमीन है। जमीन में? अपनी जमीन भी सोना है, सोना। तो क्या जमीन में से खजाना निकल सकता है? मेहनत मुशक्कत से हर जमीन सोना बन सकती है। तो बाबा देखना, एक दिन मैं खजाने से गांव को शहर बना दूंगा, यहाँ पर बड़े बड़े घर, बिजली, पक्की सड़कें और सब चीजें होंगी। अच्छा अम्मा, सुना तुमने, ऐसी बातें कर रहा था? पहले तो कभी से ऐसी बातें नहीं। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, इसे क्या हो गया, ये तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसे कुछ मिल गया। ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा कर। ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा कर। शाबाश बेटा, शाबाश। आपको मालूम है कि जब भी कोई काम किया जाए तो अल्लाह का नाम लेकर किया जाए, उससे बच्चों काम में बरकत होती है। आप भी जब कोई काम करें तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, है ना बच्चों? शाबाश भाई, आज तो माशाल्लाह बच्चों की तादाद कुछ ज्यादा मालूम हो रही है। मास्टर साहब आप इतने दिन नहीं आए तो मदरसा भी बन रहा। हाँ बेटे, मुझे मालूम है, जब ही तुम्हें जल्दी चला आया। बेटे ना जाने वो दिन कब आएगा कि जब लोग गांव में तालीम देने आया करेंगे।
खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगे ये बातें। वो बेटे, आप लोगों को पता है कि मैं मुंजो दड़ो गया हुआ था। वो कहाँ है बेटे? सिंध में है, और दुनिया भर के सैया यानी लोग खंडरात देखने आते हैं। हजारों साल कबल मुंजो दड़ो शहर आबाद था, वहाँ लोग रहते थे, काम करते थे, बहुत अच्छे अच्छे मकानात थे। फिर बैठे वो तबाह हो बर्बाद हो गया। और बच्चों पता है जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बहुत नायाब चीज़ें मिली। तो क्या रुपया पैसा पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। वहाँ से खुदाई के दौरान खेती बाड़ी के काम के आलात, बर्तन, मोहरें, बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो अजायब घर में महफूज हैं। तो क्या हम घर में नहीं रख सकते? नहीं बेटा, घर में नहीं रख सकते। दरअसल अजायब घर में महफूज रह सके। और जाना है, मास्टर जी कह रहे थे फिर मदरसे की छुट्टियां हो जाएंगी। अम्मा, अरे तुझे क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे तू आज? अम्मा मैं ठीक हूँ। ये तेरा बेटा क्या है? अभी आंखें बंद करो और ये दो दिन आ। पापा तुम समझ में नहीं आ रही है। नंबरदार जी जी, वो क्या? वो आए हैं। भाई वो नजीब दुश्मना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रहे हैं? तो नाराज होने की क्या जरूरत है यार, हम भी बीमार नहीं है। अच्छा खैर, बुला बुला था डॉक्टर साहब। आई आई कि मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आप अंदर आ गए हैं, फरमाइए। कागज का टुकड़ा, मरीज कहाँ है? पुराना मरीज कहाँ? जरूर कोई किसने बुलाया? किसने बुलाया? अरे भाई आप ही का मुलाजिम आया था और कह रहा था कि फन्ने खान जख्मी हो गए, देख जाइएगा। ओ फन्ने खान जख्मी हो गए? फन्ने खान जख्मी हो गए? बढ़िया, मेरा मुझे कुछ पता नहीं, इस शहजाद ने मुझे काटा। सुबह की लड़ाई में थोड़ा सा तो जख्मी हुआ था, इसमें डॉक्टर को क्यों बुलाया? जान बहुत गुस्से में थे। कश्यप तुम आ गए? क्यों नहीं आता, मदरसे की छुट्टियां जो हो गई थी। अब तो मजा आएगा। हाँ, पांचवा कौन? अरे वही पांचवा तुम्हारा कुकड़ू कू। छोड़ो भी, अब तो ये बहुत तेज होते जा रहा है। अच्छा यार मजाक की बातें छोड़ो, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। देखो अशरफ, मेरे फन्ने खान के लिए कुछ ना कहना, क्या समझे? भाई मैं तुम्हारे फन्ने खान को नहीं कुछ ही कह रहा, खुदा के वास्ते अब छोड़ो भी इसको। फिर वही? अच्छा छोड़ो, एक बहुत ही जरूरी राज की बात है। अरे भाई भांजो, आप यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं? जाइए घर का काम कीजिए, जाइए, मामू भांजो के बीच में मत आया करें, जाइए। बुरी बात है बेटे, तुम्हारा नौकर जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी पे उतर आओ, नकल करना बहुत बुरी बात है, समझ गए? हाँ तो मैं ये पूछ रहा था मेरे प्यारे प्यारे भांजो, क्या राज की बातें हो रही थी, अपने मामू को नहीं भाई आप फिर आ गए? बातें हमें तो बताओ। मुझे एक खजाने का नक्शा मिला है। वो भी खजाने का? खजाना? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा ठहरो। कैसी बातें कर रहा है, इस जमाने में नक्शा किसको मिलता है भला? ये देखो अब तो यकीन कर लो, दिखाओ। अरे हाँ, लगता तो कुछ नक्शा ऐसा है। तीर के निशाना, इसका पता लगाओ। तीर के निशाना दिखाना 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 दिखाना। अरे हाँ, ये तो मुझे अफ्रीका के जंगलियों वाला नक्शा लगता है। अरे मामू इधर देखना। हाँ ये देखिए कागज कितना पुराना है, ये देखे। हाँ और ये खंडरात है, ये खजाना हवेली। खजाना हवेली, पुरानी तसीने लगी, पुरानी तसीने लगती है। अरे फिर क्या हो गया, जल्दी वो ही पुराना, ये कोई खजाना हवेली है? खजाना समझ में नहीं आई। हाँ इस हवेली का नाम खजाना हवेली क्यों है?
मुझे लगता है इस नक्शे को देखकर जरूर इस हवेली गांव के लोग नहीं जाते होंगे इधर, क्योंकि उनको डर लगता है। अब तो और भी अच्छा है, अब हम खामोशी से इस हवेली में जाकर इस नक्शे का खजाना ढूंढेंगे। यकीन नहीं आता कि अभी भी ऐसा होता है। अगर खजाना नहीं तो कोई ना कोई राज है इस हवेली में। अच्छा ये तो देखो, ये नक्शा पूरा भी तो नहीं है। ये तुम ठीक कहते हो, इस नक्शे का आधा हिस्सा नहीं है। इसका आधा हिस्सा भी कहीं होगा। हम इसी आधे नक्शे के जरिए हवेली में पहुंचकर खजाना तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो फिर चलो चले। नहीं मामू, हाँ सुबह होते ही चलेंगे। अच्छा अच्छे बीज देखभाल के लाया कर। खालू तुम फिक्र ही ना करो, मैं शहर से अच्छे बीज लेकर आया हूँ। ये खालू आज तक नजर नहीं आ रहा। अरे बेटा मदरसे में छुट्टियाँ हो गई ना, तो खाला के घर गया हुआ है। अच्छा हाँ चलो शाबाश, हिम्मत रखो भाई, तो हिम्मत चलो। भांजो जी मामा, अब तो चलते चलते थक गया हूँ। वो तुम्हारी हवेली कब आएगी? आ जाएगी मामू। अच्छा याद नहीं जब हम आपके साथ शहर गए थे? हाँ हमने फिल्म भी तो देखी थी खजाने की तलाश। हाँ क्या क्या हुआ था मामू उसमें? हाँ, हाँ पता है वो फिल्म थी। हाँ छोड़ो यार क्या फिल्मों की बातें लेकर बैठ गए। हाँ ये बताओ वो हवेली अब कितनी दूर रह गई? हाँ मेरे ख्याल में बस हम लोग पहुँचने ही वाले। अच्छा अः हाँ मामू। हाँ वो रुको।